हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज निकोनिया दिन निकोनेडिस के साथ। आज मैं बना रही हूँ इंदौरी पोहा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। इसे आप सुबह की भागदौड़ में आसानी से 5 से 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए आज की एक मज़ेदार सी हेल्दी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इंदौरी पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा लिया है, जिसे मैंने 2 से 3 बार पानी में अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, अदरक को घिस कर ले लिया है, लाल मिर्च को बारीक कट करके ले लिया है और यहाँ पे मैंने ये करी पत्ता की है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। और अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड ऐड कर रही हूँ, ये हल्का सा चटक जाए उसके बाद मैं इसमें करी लीव्स ऐड करूंगी। और थोड़ा सा मैंने जो अदरक घिस कर रखा था उसे ऐड करूंगी, लाल मिर्च ऐड करूंगी और 1 से 2 मिनट हम इन्हें भून लेंगे। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना शुगर ऐड कर रही हूँ। इंदौर के जो पोहा होते हैं वहाँ की स्पेशलिटी होती है, थोड़े से मीठे होते हैं, खट्टे मीठे से होते हैं, तो आप चाहे तो शुगर स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को 1 से 2 मिनट भुनने के बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून लगभग हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छे से कलर भी आ जाता है और टेस्ट भी आता है। तो प्याज भी फ्राई हो गए हैं और हल्दी भी भुन गए हैं, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोहा ऐड करूंगी। पोहा बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत ही झटपट बन जाते हैं, एकदम हल्के फुल्के से होते हैं, खाने के बाद भारीपन नहीं लगता। और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूंगी। और खटास के लिए मैं यहाँ पे नींबू ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला भी ऐड किया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें मूंगफली ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्टेड मूंगफली ऐड किया है, आप चाहे तो मूंगफली को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर लूंगी। तो मेरे खिले खिले से एकदम बढ़िया से पोहे रेडी है। अब मैं इसे ढककर रखूंगी और 10 मिनट बाद गर्मा गर्म सर्व करूंगी। सो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी ये हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी आप सबको? आप सब इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। बहुत ही इजी होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।